नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या कांग्रेस की चमक कम होती जा रही है? कांग्रेस जिस तरीके से तमाम मसलों पर घिरती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ नटवर सिंह की किताब ने सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ से हेराल्ड मामले में भी कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने अब तक तमाम मसलों में सिर्फ अपनी कांग्रेस की छाप और साथ ही साथ सोनिया गांधी की छवि को बनाने के लिए ये तमाम जो मसले हैं वो छिपाए रखे या गढ़े, और अब इन तमाम मसलों के खुलासे के बाद क्या कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल होगी और क्या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। क्या गांधी परिवार की चमक उतर गई है? पाताल में क्यों पहुंची कांग्रेस? गांधी परिवार को लगा एक और झटका। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को एक और झटका लग गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस दर्ज किया है और जांच की जा रही है कि पार्टी फंड का व्यवसायिक उपयोग हुआ है या नहीं। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फेमा के उल्लंघन की जाँच की जाएगी। यदि संबंधित विभागों से शिकायत सही पाई जाती है तो गांधी परिवार पर केस दर्ज किए जाएंगे। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से गांधी परिवार को राहत नहीं मिली है, जिसमें कोर्ट ने उस नोटिस को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। मामले में शिकायत करने वाले पक्ष में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। जो याचिकाएं हैं या जो उन्होंने फाइल किया है ब्रीफ, वो कल ही दोपहर को 11-12 बजे के बाद दिया है, तो मुझे इतने 7 लोगों का 3-3 वॉल्यूम है, 21 वॉल्यूम को मैं इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता हूँ? 7 तारीख के पहले कोई भी डेट मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट पहले 6 तारीख को के लिए कहा, लेकिन कपिल सिब्बल के आग्रह पर हमने भी मान लिया 5 तारीख को 2:30 बजे शुरू होगी बहस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार क्या हुई? गांधी परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के सबसे पुराने कांग्रेसी नटवर सिंह की कलम से निकली वन लाइफ इज नॉट एनफ में 2004 के बाद सोनिया गांधी के उस 5वें शेड को राजनीति के ऐसे कटघरे में खड़ा कर देती है जहाँ से गांधी परिवार की साख खत्म दिखाई दे। और आखिरी सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि अब कांग्रेस का क्या होगा, जिसके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है? और मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी ना हो तो कांग्रेस किसी क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर दिखाई देने लगती है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस परिवार पर एक और जांच का शुरू होना, एक पुराने कांग्रेसी नटवर सिंह का सोनिया गांधी के त्याग के पीछे राहुल गांधी की जीत का जिक्र करना, तमाम एक ऐसे सवाल खड़ा करता है जिससे कांग्रेस पार्टी की साख कम हो रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी की चमक फीकी हो रही है? कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं मोहित शर्मा, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है, जिस तरीके से ये तमाम मसले कांग्रेस को घेर रहे हैं, उसके बाद क्या चमक यहां पर कांग्रेस की खत्म हो जाएगी? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इमेज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी क्या लेकर चलने वाली है, इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर नवीन पांडे साहब मौजूद हैं। नवीन जी, ये जो पूरे लगातार ये मसले सामने आ रहे हैं, चाहे नटवर सिंह की किताब का मामला हो या अब ये पूरे जो हेराल्ड केस जो लगातार चल रहा है, इसके बाद क्या सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है कांग्रेस के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन ये मुसीबत उसकी अपनी जो है वो बुलाई हुई मुसीबत है। सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने जो कुछ भी गलत तरीके से जो काम किए वो उसके सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आज उसकी सत्ता होती तो हो सकता है उसको इतना नुकसान ना होता, आरोप राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन ये पहला कांग्रेस के बाद बहुत लंबे समय बाद पहला मामला है जब कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसका कारण ये है कि कांग्रेस को लेकर आम जनता के मन में एक छवि है, सोनिया गांधी को लेकर एक छवि है कि उन्होंने त्याग किया इस देश के लिए, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी, और ये जो छवि है ये कांग्रेस को बहुत ऊर्जा देती है, कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा ताकत देती है, और इसी उत्साह के दम पर वो बीजेपी और तमाम विरोधी पार्टियों से दम ठोक कर लड़ते हैं।
और ये कहीं ना कहीं नैतिकता की जमीन पर खड़ी होकर दिखाई देती है। और सोनिया गांधी उसके बाद जब कहती हैं कि हमारे परिवार ने बहुत बलिदान किया है, मैंने अपने सास को खोया है और मैंने अपने पति को खोया है, तो बात बहुत बड़े बड़े धरातल से निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो नटवर सिंह ने जो कुछ किया, जो एक जिस तरह से एक्सपोज कर दिया है, नटवर सिंह बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं और इंदिरा गांधी के ज़माने से गांधी परिवार के साथ हैं, और उन्होंने जिस तरह से खुलासा किया वो बहुत ज़्यादा डेंट कर गया कांग्रेस को। बिल्कुल। और सोनिया गांधी को इसका अंदाज़ा था और वही अब होने लगा है, और इसीलिए कांग्रेस आपको बौखलाई हुई नजर आ रही है पिछले दो दिन से। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन गया है, आप कहीं ना कहीं नटवर सिंह का खुलासा करना या हेराल्ड मामले की हम बात करें, जिस तरीके से ईडी जो है पूरे मामले की जांच करने वाला है, तो एक क्रेडिबिलिटी का भी तो सवाल बनता है कि कांग्रेस की जो अब तक छवि थी उसके बाद अब आगे की छवि किस तरीके गढ़ी जाएगी। निश्चित रूप से सुमित, ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी का मामला है, साख का सवाल है, बहुत गहरे संकट में, या यूं कहें कि जमीन से नीचे कांग्रेस की छवि चली गई है इन दो घटनाओं ने। नेशनल हेराल्ड केस अपने आप में आर्थिक धोखाधड़ी का बहुत बड़ा मामला है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोन दिए गए और उसमें जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% शेयर हैं, वो साफ बताता है कि जो है कांग्रेस ने जब मन चाहा जो किया, अब वो सब उसके सामने आ रहा है और अब उसको जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि जनता के बीच में उसकी छवि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। और रही सही जो चमक थी, वो इन दो घटनाओं ने बहुत बुरी तरह प्रभावित की है। आप अगर पिछले दो दिन में कांग्रेसियों के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अगर उनको देखें तो साफ समझ में आता है कि बुरी तरह बौखला गए हैं। नटवर सिंह के आरोपों की बात हो, उनके जवाब देने की बात हो, तो जवाब न देकर, तथ्यों पर न जाकर, वो सीधे सीधे उनके साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि नटवर सिंह ने पहले क्यों नहीं कहा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कहा है सही कहा, वो ये जिस तरह राज बब्बर का बयान आज सामने आया। बिल्कुल, तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जवाब जो है वो टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि नटवर सिंह के जवाब में एक और किताब लिखने वाली हैं। सवाल ये है कि वो अपनी किताब में किन तथ्यों का जिक्र करने वाली हैं, और साथ ही साथ जो हेराल्ड मामला हुआ है जिसमें राहुल गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। वहीं हेराल्ड जो केस हुआ इस पूरे अगर मामले की बात करें तो कब क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नेशनल हेराल्ड केस कब क्या हुआ। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक भी नेहरू ही थे। प्रधानमंत्री बनने तक नेहरू नेशनल हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन रहे। आजादी की लड़ाई में इस अखबार ने अहम भूमिका अदा की। नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और राम राव को संपादक बनाया गया। हेराल्ड ने बाद में हिंदी नवजीवन और उर्दू कौमी आवाज अखबार भी निकाला। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और अखबार पूरे 2 साल बंद रहा। यहीं से हेराल्ड का काला इतिहास शुरू हो गया। 1998 में लखनऊ संस्करण बंद कर दिया गया, सिर्फ दिल्ली संस्करण ही आता रहा। फिर 1 अप्रैल 2008 को नेशनल हेराल्ड के बोर्ड सदस्यों ने घोषणा की कि दिल्ली संस्करण भी बंद किया जा रहा है। 2008 में अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास चला गया। इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से बिना ब्याज के 90 करोड़ का कर्ज लिया। कांग्रेस ने अपने इस कदम के पीछे कंपनी के कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना बताया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अखबार का प्रकाशन दोबारा कभी शुरू नहीं हुआ। 26 अप्रैल 2012 को यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हक हासिल कर लिया। यंग इंडिया कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। बाकी शेयर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। यंग इंडिया ने हेराल्ड की 1600 करोड़ की परिसंपत्तियां महज 50 लाख में हासिल की। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दर्ज किया। उनका आरोप है कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग किया है। 9 जुलाई 2014 को इस मामले में सोनिया और राहुल को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने भी पुष्टि की। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई राहुल सोनिया को 7 अगस्त को पेश होने का समन जारी किया। 1 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज किया। ईडी इस बात की जांच करेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला तो नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो ये पूरा वाक्य है किस तरीके से हेराल्ड केस की अगर बात की जाए तो कब क्या क्या हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसके बाद अब जो है मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी की। लेकिन नवीन जी सवाल ये है कि क्या जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये दबाव में की जा रही है। देखिए कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो यही सब कुछ करती रही है। उसको पता है कि सरकारी संस्थान या संवैधानिक पद है उनके साथ छेड़छाड़ करने का उसका पुराना इतिहास रहा है और बहुत सारे आरोप भी उस पर लगते रहे हैं।
ऐसे में अगर वो एक बार फिर आरोप लगा रही है मौजूदा सरकार पर तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हालांकि ये बचाव में भी है। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में जहां तक वो कह रही है हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को कोर्ट देखेगा, ईडी उसकी जांच कर रही है, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी इस मामले में सामने आए हैं और 1600 करोड़ के मामले को जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स रहते हुए कांग्रेस के लोन को, जो पार्टी का फंड का लोन था, उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उससे वो नैतिकता खत्म हो गई। पैसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के लिए, ना 1600 करोड़ रुपए ज़्यादा है ना 90 करोड़ रुपए जो उनका शेयर है, लेकिन जो नैतिकता के जिस धरातल पे पार्टी खड़ी थी, जहां सोनिया गांधी जहां से पूरे देश को दिखाई देती हैं, उस पर बहुत चमक उतरी है, बहुत बड़ा डेंट लगा उस पर। आज आम आदमी ये जानना चाहता है कि सोनिया गांधी की जो छवि उसके सामने गढ़ी गई, जो त्याग की देवी हैं और जिन्होंने इस देश को और यहाँ पे बहू बन के आई और इस देश को जो है संभाला, अपनी सास और अपने पति की कुर्बानी के बाद बार बार उस बात का जिक्र करती हैं, सत्ता को लात मार दी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा, ये एक बहुत आम जनता के मन में छवि गहरे तक बैठी हुई कांग्रेस की, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है इन दो मामलों से, खास तौर पर राहुल। बिल्कुल, लेकिन क्या ये नहीं माना जा सकता, अगर अब हाल ही के वाक्यों की अगर बात करें, तीन किताबें आती हैं जिसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह के खुलासे किए जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की या फिर सोनिया गांधी की छवि लगभग धूमिल होती हुई नजर आती है, और उसके बाद अब इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं, ये क्यों ना मान लिया जाए कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके के वाक्य सामने किए जा रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति में सब होता रहता है और इसमें कोई शक नहीं, अगर नटवर सिंह ने कोई आरोप लगाए हैं तो वो दूध के धुले हैं। जाहिर तौर पर नटवर सिंह ने जो समय चुना है वो उनको सियासी तौर पर मुनाफा पैदा करने वाला है। उनको पता है अगर वो सोनिया गांधी को परेशानी में डालते हैं, राहुल गांधी को परेशानी में डालते हैं, तो हो सकता है मोदी सरकार या बीजेपी से उनको कुछ हासिल हो जाए। पिछले 8 साल से वो राजनीतिक बियावान में हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर राज किया इस देश में, विदेश मंत्रालय जैसा बड़ा पद संभाला उन्होंने, तो इसमें जो है कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने खुलासा किया है वो जो है बहुत बड़ी बात है। उससे उसका जवाब कांग्रेसियों को देते बन नहीं रहा है, कांग्रेस बौखलाई घूम रही है। आखिरकार बहुत सलीके से वो उसका जवाब क्यों नहीं देती, वो क्यों नहीं जो तथ्यों के आधार पर कांग्रेसी बताते वो सवाल क्यों खड़े करते हैं, जिस तरह से बयान कांग्रेसी को आ रहे हैं वो बहुत गंभीर मसला है सुमित। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके की स्थिति कांग्रेस के साथ रही है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल समय में से एक समय इस वक्त चल रहा है, राहुल गांधी को एक चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अब इस समय में राहुल गांधी के लिए कितनी परेशानियां? बहुत बड़ी परेशानी है सुमित, बहुत बड़ी परेशानी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी थी, अभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत डूबा हुआ है, ऐसे में ज़रूरत थी कुछ अच्छा होने की। उत्तराखंड के उपचुनाव में उनको थोड़ी सी सफलता मिली थी, इसको भुनाने का समय था, मोदी सरकार के फैसलों पे आगे बढ़ के सवाल उठाने का समय था, कांग्रेसियों में जोश भरने का समय था, उल्टे कांग्रेस जवाब देते घूम रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार करे तो करे क्या, और जवाब उसको सूझ नहीं रहा है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं आप साफ तौर पर देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसी सफाई नहीं है जिससे लगे कि आखिरकार कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है। साफ तौर पर बहुत बड़ा संकट है, और ये संकट मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक संकट है कांग्रेस के लिए। यहाँ से उसका एक दूसरा दौर शुरू होगा, या तो बहुत पाताल की ओर जाएगी या तो संभलती हुई आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक पार्ट टू वाली सिचुएशन है, जिसे सोनिया गांधी ने एक बार पहले खड़ा किया था, और अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी की तरह कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता के उस शिखर तक ले जा सकते हैं जिसे सोनिया गांधी या फिर इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए वो ले जाने में कामयाब हुए थे। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की अगर बात की जाए योग्यता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, अब राहुल गांधी से कैसे आगे बढ़ाते हैं सवाल ये है। लेकिन सोनिया गांधी की अगर छवि की बात की जाए तो उसे इस तरीके से गढ़ा गया जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें भुनाया जा सके, या कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से पेश किया जा सके कि वही सिर्फ इकलौती भारत की कर्ता धर्ता पार्टी है और सोनिया गांधी उसकी राजमाता हैं। सवाल कई बार इस मसले पर भी उठे हैं, लेकिन कैसा सोनिया गांधी का पूरा जीवन का सफर रहा है, क्या उनका व्यक्तिगत जो पहलू है वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी की राजनीतिक कहानी, सोनिया गांधी इटली से कैसे आई भारत, कांग्रेस पार्टी को सोनिया ने कैसे बढ़ाया आगे, असल जिंदगी की कहानियां अक्सर हमें फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा प्रभावशाली दिखती हैं। ऐसी कई कहानियां भारतीय राजनीति से भी जुड़ी। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार भी खुद में कई इतिहास और राज छुपाए हुए है। इस परिवार की एक अहम शख्स सोनिया गांधी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इन्हें समझना शायद हर किसी के बस की बात नहीं।
अपना देश छोड़कर अपने प्यार के लिए किसी दूसरे देश की परंपरा को अपनाना, पति की मृत्यु के बाद ना चाहते हुए भी खुद को राजनीति में लाना और फिर देश का सशक्त रूप से संचालन करना किसी परी कथा से कम नहीं लगता। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के छोटे से गांव लुसियाना में हुआ था। इनका वास्तविक नाम एडविक एटोनिया एल्बिना माइनो है। सोनिया 1964 में इंग्लिश की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गई, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। मुलाकात प्यार में बदली और 1968 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने अपने दम पर राजनीति में एक अहम मुकाम पाया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब हर तरफ बीजेपी की लहर थी, तब कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में भी कांग्रेस ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। हालांकि ये भी एक सच है कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने तल्ख शब्दों में एक बार कहा भी था, मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। 1996 में कांग्रेस की हार ने उन्हें राजनीति में आने पर विवश कर दिया। पिछले 10 सालों से देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन पीसी पारेख, संजय बारू के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताबी बम ने सोनिया के इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए मजबूर कर दिया। साल 2004 में बेटे के डर को सोनिया गांधी का त्याग माना जाता रहा, जिस पर नटवर सिंह ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मसले ने भी सोनिया गांधी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री न बनना सिर्फ त्याग था या फिर जिम्मेदारियों से पीछे हटना। इसी पहेली को समझने के लिए नटवर सिंह की किताब के पन्नों को टटोलना जरूरी है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने भले ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया हो, लेकिन पहले नेशनल हेराल्ड मामला और अब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के किताबी बम ने सोनिया गांधी को एक बार फिर से विवादों में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में नटवर सिंह के किताबी पन्नों में कितना दम है। कैमरामैन राहुल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है। दीपिका शर्मा बीजेपी की तरफ से मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है। दीपिका जी, एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए मान रहे हैं आप लोग? नहीं सुमित, बात बड़े दिन छोटे दिन की नहीं है। शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से हुई, अब हेराल्ड केस की बात कर ली जाए, नटवर जी ने तो खुद बीजेपी के लिए कही है या फिर कांग्रेस के लिए तो खतरे घंटी बजाई दी। नहीं देखिए, बात सिद्धांतों की है, बात प्रजातंत्र की है, बात इसकी है कि देश को किन सिद्धांतों के ऊपर सरकार चलाती है, कौन सी सरकार है, किन सिद्धांतों के ऊपर वो देश को चलाती है, कितनी ईमानदारी के साथ चलाती है। हमारी गवर्नमेंट जब विपक्ष में थी 10 साल और यूपीए की सरकार जब सेंटर में थी, केंद्र में थी, तो लगातार हम ये जितने भी करप्शन के मामले कांग्रेस ने किए, जिस प्रकार से मीडिया ने उसको बाहर निकाला, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी टिप्पणियां दी, जजमेंट्स आई और कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, तो अब कन्विक्शन का वो है, टेलीकॉम स्कैन पे, तो अब ये जो केसेस हैं ये कन्विक्शन के स्टेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो इतने बड़े ऐतिहासिक बड़े घोटाले हुए और साथ में सुमित यहाँ घोटालों की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। यहाँ पे जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये डॉक्टर स्वामी ने जो सामने देश के सामने लाया है, ये तो ये एक उदाहरण है। कांग्रेस का ये कहना है कि ईडी डिपार्टमेंट जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सिर्फ बीजेपी के या एनडीए सरकार के दबाव में कर रहा है। देखिए ऐसा है, केस ये नेशनल हेराल्ड का केस तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है समन्स दिए हैं, तो कहीं ना कहीं पे न्यायपालिका अपना काम कर रही है। ईडी डिपार्टमेंट तो आपके अंडर में जांच कर रहा है। ईडी डिपार्टमेंट भाई, अगर आपने टैक्स लॉ का उल्लंघन किया है, अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो वो टैक्स नहीं देती है भारतीय सरकार को, और अगर आप अपनी पार्टी के फंड्स जिसमें आप टैक्स नहीं देते हैं आप उनको एक प्राइवेट कंपनी में लगाते हैं, एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीदने के लिए आप यंग इंडिया नाम की कंपनी करते हैं जिसमें 76% शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, बाकी जो 3 नाम हैं वो भी इनके कांग्रेस के वफादार हैं, तो आप बताइएगा कि आप एक राजनीति
एक पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स, अगर आप एक निज और नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 5,000 करोड़ से भी ऊपर हैं उनकी लागत, तो अगर आप अपने एक राजनीतिक पार्टी के फंड्स अगर आप एक ऐसी कंपनी को हथियाने में लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इस बात का। ठीक है नवीन जी, मान लेते हैं जिस तरीके से आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये तमाम मामले जो खोले जा रहे हैं सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, मान लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ इसी मनोदशा के कारण इस तरीके के जो आरोप जो है लगाए गए हैं और उसके बाद जो है यहां पर ये पूरा केस खोला गया है, लेकिन क्या इस तरीके के मामलों का इन्वेस्टिगेशन या इन पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस के अंदर इतनी खलबली क्यों है? अगर आप क्लियर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहिए दम पर कि आइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देखिए कांग्रेस की दिक्कत इसकी चर्चा या जांच से नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो जनता के बीच में जो उसकी छवि खराब हो रही है उसको वो वापस नहीं कर पा रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं दे पा रही है कि आखिरकार ये जो मसले हो रहे हैं ये एक तरह से उसके साथ गलत हो रहे हैं। आम जनता में जो छवि नटवर सिंह की किताब हो, संजय बारू की किताब हो, या ये ईडी का मामला हो, ये साफ तौर पर लगातार कांग्रेस की छवि को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में उसको सूझ नहीं रहा कि वो आखिर करे क्या। तो एक तरह से उसकी चिंता जो है इस तरह की है कि उसकी छवि खराब हो रही है, उसकी चमक उतर रही है जो सालों तक उसने बना के रखी थी। ऐसे में देखिए सुमित, एक दूसरा मामला भी है, लगातार अगर हमले होंगे तो जनता के बीच में इसका गलत संदेश भी जाएगा। आखिरकार हिंदुस्तान की जो जनता है वो अजब तरीके से संवेदनशीलता भी दिखाती है, मोदी के उदाहरण में हम लगातार देख सकते हैं, उन पर जितने ज्यादा हमले हुए मुझे लगता है कि सियासतदानों में सबसे ज्यादा हमले उन्होंने झेले, लेकिन जनता ने सबसे ज्यादा पसंद उनको किया। तो ऐसे दौर में अगर लगातार हमले होंगे और अगर जनता को लगा गलत तरीके से हो रहे हैं तो इसका फायदा भी कांग्रेस को हो सकता है। बिल्कुल, इसका दूसरा लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, यहां पर आरोप यही लग रहा है बार बार कांग्रेस की तरफ से कि तमाम जो इस तरह के केस सामने आ रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक बदला है कांग्रेस के लिए और बीजेपी सिर्फ इसीलिए तमाम मसले कर रही है। घोटालों की आप बात कर रही थी, तो सवाल ये है कि क्या गांधी परिवार से जुड़े जो तमाम मसले हैं वही खोले जाएंगे, घोटालों के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी? सुमित, घोटालों के ऊपर तो जांच चल रही है, सारे घोटाले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, घोटाले तो अपनी 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 जांच के तहत, वो तो यूपीए शासन काल से चल रहे हैं ना? नहीं, यूपीए शासन काल से चल रहे हैं, लेकिन यूपीए के पिछले 2-3 साल में ही शुरू हुई है उनकी जांच, तो न्यायपालिका स्वयं कर रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्वयं ऑडिट कर रहे हैं उन सब मुद्दों को जहां कांग्रेस ने करप्शन करी और बीजेपी ने एक्सपोज किया। और जहां तक दूसरी बात है कि जैसे संजू बारू की किताब ने बताया या फिर कोल सेक्रेटरी पीसी पारिक की किताब ने बताया, अब नटवर सिंह की किताब ये बात बता रही है, और ना जाने कितनी किताबें ऐसी निकलेगी जो जग जानने बात थी। कांग्रेस ने देखिए जो कांग्रेस का सबसे बड़ा गुना था सुमित, वो इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का था। किताब का यहाँ पर जिक्र कर रही है सोनिया गांधी की, अगर किताब का जिक्र कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरीके का कह रही है दीपिका जी ने कहा कि किताबें और भी आ सकती हैं, सोनिया गांधी की किताब का यहाँ पर इंतजार जरूर रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नेटवर्क की किताब आने के बाद अब वो खुद किताब लिखेंगी जिसमें जिक्र आएगा क्या वास्तविक तथ्य थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तमाम घटनाओं के बाद कांग्रेस की और गांधी परिवार की जो साख है वो बचेगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।